is South Asian Media Group, Y Media. ओंटारियो गवर्नमेंट ने सुपरवाइज्ड ड्रग कंजम्पशन साइट्स को बंद करने का प्लान प्रपोज किया है जो कि एक्सपेक्टेड से ज्यादा फैसिलिटीज को अफेक्ट कर सकता है। ये डिसीजन उन साइट्स को बंद करने का है जो स्कूल या डे केयर से 200 मीटर के अंदर हैं। एक्सपर्ट्स और फेडरल डाटा के मुताबिक इन साइट्स की क्लोजर से ओवरडोज डेथ्स बढ़ सकती हैं क्योंकि ये साइट्स हर दिन टोरंटो में 3 और ओंटारियो में लगभग 6 लोगों की जान बचाती हैं। पब्लिक हेल्थ रिसर्चर गिलियन कॉला ने कहा कि अगर ओंटारियो में सुपरवाइज्ड इंजेक्शन साइट्स को बंद किया गया तो फेटल ओवरडोज रेट्स में बढ़ोतरी होगी क्योंकि ये सर्विसेज लोगों की जान बचाने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। ओंटारियो सरकार ने 2025 तक 10 प्रोग्राम्स को बंद करने का अनाउंसमेंट किया है और $378 मिलियन से होमलेसनेस एंड एडिक्शन रिकवरी ट्रीटमेंट हब्स खोलने का प्लान बनाया है। South Asian Media Group, Y Media.